आज की पुस्तक द सेवन प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क के लेखक जॉन एम गॉटमैन को नॉर्थ अमेरिका में सक्सेसफुल मैरिज इस विषय के सबसे ज्ञानी और पारंगत संशोधकों में से एक कहा जाता है। मिस्टर गॉटमैन द सिएटल मैरिटल एंड फैमिली इंस्टीट्यूट के फाउंडर और डायरेक्टर है। इसी के साथ वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। इन्होंने आज तक करीब करीब 3000 से भी ज्यादा शादीशुदा जोड़ियों को लगभग 32 साल के लिए स्टडी किया है, जिसमें समलैंगिक जोड़ियां भी शामिल थी। इस पुस्तक के पहले चैप्टर में जॉन गॉटमैन लव लैब के बारे में बताते हैं। ये लैब उन्होंने अपने मित्र बॉब लेविनसन के साथ मिलकर बनाई थी। मिस्टर बॉब खुद भी साइकोलॉजी के प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में पढ़ाते हैं। इस लैबोरेटरी के अंदर संशोधकों द्वारा कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस लगाए गए थे और शादीशुदा जोड़ियों को इस रूम के अंदर टहलने के लिए भेजा गया था। यह पूरी प्रक्रिया कैमरा में रिकॉर्ड की गई थी, यहाँ तक कि उनके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस को भी मॉनिटर किया गया था। तो इस लव लैब से प्राप्त हुए डेटा और रिसर्च की वजह से लेखक को वो ज्ञान मिला जो आजकल की टूटती शादियों को बचाने का रामबाण उपाय है। इस पुस्तक का सारांश आपके रिश्ते को एक सुखी, स्वास्थ्य और लंबी शादीशुदा जिंदगी की तरफ ले जाने में मदद करता है। लेखक कहते हैं कि इस लव लैब एक्सपेरिमेंट की वजह से मुझे इतने पावरफुल इनसाइट्स या इंडिकेटर्स मिले जिसके आधार पर अब मैं किसी भी शादीशुदा जोड़े को देखकर बस 15 मिनट के अंदर 91% एक्यूरेसी के साथ ये बता सकता हूँ कि इनका तलाक हो सकता है या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। और कभी कभी तो दोनों की बातें, स्वभाव और चाल ढाल देख के बस 5 मिनट में समझ जाता हूँ कि इनकी वाट लगने वाली है या नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी में किसी के वैयक्तिक स्वभाव के बारे में सटीक अंदाजा लगाना थोड़ा कठिन होता है। पर रिलेशनशिप इस विषय में हम 90% एक्यूरेट अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के लिए सेम बिहेवियरल पैटर्न फॉलो करते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से 4 इंडिकेटर्स को ढूंढ के निकाला, जिसे लेखक द 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स कहते हैं, जिसका अर्थ है बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाले 4 घुड़सवार। लेखक का मानना है कि ये 4 इंडिकेटर्स यानी दर्शक रिश्ते में दरार लाने के लिए सबसे अधिक मदद करते हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट होता है तलाक। पहला घुड़सवार है क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। यह वो प्रक्रिया है जिसमें अपने पार्टनर में हमें फॉल्ट्स नजर आते हैं, जहां हम खुद को सही और उसे गलत बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में या आपके पार्टनर के हाथ में एक बॉल दिया गया है और ये बॉल सारी बुराइयां, कमियां या नेगेटिव चीजों को दर्शाता है। तो अगर आप ये बॉल आपके पार्टनर के हाथ में देते हो और उसे ये कहते हो कि इस बॉल में नहीं बल्कि तुम में सारी गंदी आदतें, बुरी बातें और कमियां है, तो इसे हम कहेंगे क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। सक्सेसफुल मैरिज मेंटेन करने वाले जो मास्टर्स लोग होते हैं, उनका भी अभ्यास लेखक ने अपनी सालों की रिसर्च में किया है। उसी के आधार पर लेखक कहते हैं कि अगर यहाँ कोई मैरिज मास्टर होता तो वो उस बॉल को टारगेट करता, ना कि अपने पार्टनर को। वो उस बॉल को गिराने में एनर्जी लगाता, ना कि अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज या कोसने में दिमाग लगाता। पर ऐसा ना होने पर आपको अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। उदाहरण, एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप आपके पार्टनर के साथ डिनर पर गए हो और आपको ये लग रहा है कि इसने मुझे अभी तक मेरे दिन के बारे में नहीं पूछा। आप चाहते हो कि वो आपसे पूछे कि दिन अच्छा था या बुरा था। तो ऐसे सिचुएशन में जो डिजास्टरस लोग होते हैं, ये कुछ ऐसा सीन क्रिएट करेंगे कि जिससे ये लगे कि आपके पार्टनर में ही कुछ डिफेक्ट है। जैसे वो थोड़ी ऊंची आवाज में आपको ये कह सकते हैं, तुमने मुझे मेरे बारे में, मेरे दिन के बारे में कुछ नहीं पूछा। What's wrong with you? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ऐसे क्यों हो तुम? और इसके विपरीत मास्टर्स अपनी बात को आसानी से बताना पसंद करते हैं। जैसे, तुमने मुझे मेरे दिन के बारे में अभी तक नहीं पूछा, जिसकी वजह से मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मुझे इस वक्त सच में तुम्हारी बहुत जरूरत है और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम मुझे अच्छे से सुनो।
और मेरे बारे में भी पूछताछ किया करो। देखा कितना बड़ा फर्क है दोनों तरीकों में, तो हम ये भी कर सकते हैं ना। दूसरा घुड़सवार है डिफेंसिवनेस, यानी बचाव करना। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें आगे वाले के क्रिटिसिज्म का जवाब क्रिटिसिज्म देना ही लगता है, या फिर आगे से आने वाले क्रिटिसिज्म को झुठलाने के लिए हम अटैक कर देते हैं, जिससे परिस्थिति और बिगड़ जाती है, या फिर खुद को उस क्रिटिसिज्म की वजह से दोषी मान लेते हैं। यह दोनों ही बातें अप्रभावी है, क्योंकि जब पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के अलावा डिफेंसिव हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो बदलाव करने के लिए अनैच्छिक है, जिस वजह से अपने पार्टनर को पूरी तरीके से न समझे बिना हम खुद के डिफेंसिवनेस की वजह से आगे वाले के साथ अपने रिश्तों को कमजोर बना देते हैं। उदाहरण, वो डिनर टेबल वाला दृश्य फिर से अपने सामने लाइए। जब आपकी पार्टनर आपको कहती है कि तुमने मुझे मेरे दिन के बारे में नहीं पूछा, इसलिए मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में डिजास्टर लोगों का रिस्पांस कुछ ऐसा होता है। क्या मेरी खुद की जिंदगी आसान है? मैं खुद भी तो परेशान होके आया हूँ ना, भूल गया होगा, इतना क्या है उसमें, हमेशा अपने बारे में क्यों सोचती रहती हो। और इसी जगह मास्टर्स के रिएक्शंस कुछ इस तरीके से होते हैं। वैसे तुम्हारा पॉइंट सही है, मैं अपने दिन भर के काम और थकान की वजह से तुम्हारे बारे में पूछना भूल ही गया था। तुमने सच कहा, मुझे तुम्हें और गौर से सुनना चाहिए था। अब तो हम अच्छे माहौल में बैठे हैं। मैं भी ना यार, आई एम वेरी सॉरी डियर। प्लीज आप अपने बारे में बताओ, आपका दिन कैसा गया, सब कुछ ठीक था ना। तीसरा घटक है कॉन्टेम्प्ट, यानी तिरस्कार। ये तलाक होने का सबसे प्रभावी घटक है, ऐसा लेखक मानते हैं। कॉन्टेम्प्ट और क्रिटिसिज्म, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि कॉन्टेम्प्ट में आप खुद को अपने पार्टनर से सुपीरियर यानी ऊंचा समझते हो, और अपने पार्टनर को इन्फीरियर यानी नीचा समझते हो, जिससे आपके उनकी तरफ के बर्ताव में बहुत फर्क पड़ता है। उदाहरण, सपोज आप आपके पार्टनर से कई ज्यादा बेहतर हो, साफ सुथरे हो या स्मार्ट हो या किसी चीज में ज्यादा टैलेंटेड हो, तो ये फीलिंग कई बार कोई मीन या घृणात्मक टिप्पणी के रूप में बाहर आती है। पर लोग तिरस्कार पूर्ण बनते कैसे हैं? एक तो उनकी लैंग्वेज, वो अपने पार्टनर को अपमानास्पद वाक्य कहेंगे या फिर सीधे सीधे उन्हें बुरे नाम लेकर पुकारेंगे। उदाहरण, फिर से उस डिनर टेबल वाले दृश्य में जाइए। डिजास्टरस लोग कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तुम पागल हो क्या, अपने ही बारे में बोलती रहती हो, कुछ तो अकल लगाया करो ना। अब ये सब सुनने के बाद आपका पार्टनर, लड़का या लड़की जो भी है, वो ये तो नहीं कहेगी ना, वाह आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मुझे महान बनाने का दिव्य ज्ञान दे दिया आपने, कहां से लाते हो ये हुनर लोगों को पहचानने का। माय डियर हस्बैंड, माय डियर वाइफ, कुछ और हो तो बताइएगा प्लीज। लगता है मैंने समझदारी के नाम पे ज्यादा ही टोंट मार दी है। चलो कोई नहीं, पॉइंट ये था कि आपका पार्टनर इस तरीके से समझदारी से या प्यार से जवाब तो नहीं देगा। पर मैरिज मास्टर्स ऐसी किसी भी भाषा या शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से वो खुद को बेहतर और अपने पार्टनर को इन्फीरियर या नीचा साबित कर सके, ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट ना पहुंचे। क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स, इंसल्ट्स, टॉन्टिंग या गंदा मजाक अपने पार्टनर की विश्वसनीयता और उनके नजरों में अपनी कीमत को गिरा देता है। चौथा घुड़सवार है स्टोन वॉलिंग। देखिए, जब कोई बोलता है तो उसे सुनने वाला श्रोता भी वैसी सपोर्टिव बॉडी लैंग्वेज दिखाता है, जिससे ये लगे कि वो आपकी बातों को अच्छे से सुन रहा है और वो उस मूमेंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉन्टेक्ट करना, सिर हिलाना, छोटी छोटी आवाजें निकालना, जैसे हाँ आहा ऐसे, और चेहरे की पेशियों की मूवमेंट करना, ये सब। पर जो लोग स्टोन वॉलर्स होते हैं, मतलब पत्थर की दीवार जैसे, उनके मुंह पर से मक्खी भी नहीं उड़ती। इनके एक्सप्रेशंस को देख के आगे वाले को ये कभी समझ नहीं आता कि आप जो बातें कर रहे हो उसे वो समझ में आ भी रही है या नहीं। तो अगर आप ऐसी न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट के या झगड़े के समय दिखाते हो, और अगर आपको लगता है कि आपने तो कुछ बुरा कहा ही नहीं, तो इस हिसाब से आपने किसी की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं की, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, क्यों? पर ऐसा नहीं होता। डिसरिस्पेक्ट के अपोजिट न्यूट्रल रहना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ है आपको एक्चुअल में रिस्पेक्ट करना होता है। आपको वो आदर सम्मान सही समय पे आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाना पड़ता है। और मेरी तरह एक्टिव लिसनर बनिए,
इसके जैसा स्टोन वॉलर नहीं। देखा, अभी भी कोई रिएक्शन नहीं। इसका तलाक जरूर जल्दी होगा। तो दोस्तों, ओवरऑल ये चार इंग्रेडिएंट्स हैं फेल मैरिज रेसिपी के। तो फिलहाल आपको ये समझ लेना है कि इन चार हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपकी शादी की नैया ना डूबे और आप स्मूथ सेलिंग कर सके। तो चलो, ये तो था इस बुक का पार्ट वन। पार्ट टू में हम देखेंगे वो 7 प्रिंसिपल्स जो इस पुस्तक के कवर पेज पे मेंशन किए गए हैं, जिसे जानने के बाद आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को बस आने वाले 2 हफ्तों में ही बदल देंगे, ये लेखक का दावा है। इस वीडियो के बेहद ही इंटरेस्टिंग पार्ट टू को देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी विषय के साथ। तब तक बने रहिए। जय हिंद।